हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो दैट आपकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी आगे रहेगी। तो अब हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। सो दैट हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ये एक एक्चुअली स्क्वेयर है इस कंडीशन की वजह से, और डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट करता है, जो ये बी डी डायगोनल है ये एंगल बी को और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये गिवन हो गया कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। तो अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल होगा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ओके, ये दो ट्रायंगल लिए हमने, एक ट्रायंगल हमने ऊपर वाला लिया है ये वाला, और एक ट्रायंगल हमने ये वाला लिया है। तो इनके अंदर क्या होगा, आप देख रहे हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन है हमें, एंगल वन ए बी सी का एंगल टू होगा, यहाँ एंगल वन होगा। फिर हम इसका पार्ट लिखेंगे एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये भी हमें गिवन है, एंड ए सी इक्वल टू ए सी, ये हुई कॉमन। ओके, तो इसकी वजह से बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कि दो एंगल और उनकी बीच की साइड उस ट्रायंगल की दो एंगल और उनकी बीच की साइड के इक्वल आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ए ही है, ओके, सी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी ही है, और बी का बचा हुआ डी होगा, ये वाली पोजीशन डी, जिसकी वजह से क्या होगा ए बी ए डी के इक्वल होगी, एंड बी सी डी सी के इक्वल होगी। ऐसा क्यों, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी की वजह से। ओके, अब देखिए हमने प्रूव किया ए बी ए डी के इक्वल है, लेकिन ए बी तो सी डी के इक्वल है, क्यों भला, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए बी ए डी के भी इक्वल है ना, तो ये ए डी आ गई। अब आप देखिए सी डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अब ए डी किसके इक्वल थी, ए बी के, ओके ये हो गया, लेकिन जो बी सी है वो सी डी के भी इक्वल है, यानी कि जो सी डी है सी डी की जगह सी डी हम बी सी के इक्वल कर सकते हैं, तो चारों साइड इक्वल होगी ना, जिसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ। इसको हम दे नाम दे सकते हैं वन, इसको नाम दे सकते हैं टू, और इसको नाम दे देते हैं थ्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन टू एंड थ्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है कि जो ये ए बी सी डी है एक्चुअली में एक स्क्वेयर है, लेकिन और साथ में हमें ना ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी को। देखिए अगर कम मार्क्स का है तो हम इसी सीधे लिख सकते हैं कि स्क्वेयर के डायगोनल्स अपोजिट एंगलों को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए बी डी भी बाइसेक्ट करेगा बी को भी और डी को भी, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वेयर बाइसेक्ट्स अपोजिट पॉइंट
opposite angles. So BD will bisect, क्योंकि square तो हमने प्रूव कर दिया ना, will bisect angle B and angle D. तो सीधा प्रूव हो गया. लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है और आपको ये थोरोली प्रूव करके दिखाना चाहते हो तो फिर वो हम कैसे करेंगे, लेट अस डू दिस. मुझे ये रब करना पड़ेगा. अब देखिए, अगर इसे थोरोली प्रूव करना चाहें कि बी डी जो डायगनल है वो एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वेयर. और साथ ही साथ जो ये बी डी है वो ट्रांसवर्सल है, वर्सल. सो इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 6 के, ए आई ए. ओके, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो 7 है वो एंगल 5 के भी इक्वल है. एंगल 7 इज टू एंगल 5, क्यों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल साइड्स के अपोजिट के भी इक्वल होते हैं. जो ए बी का अपोजिट, जो इस ट्रायंगल के अंदर ए बी के अपोजिट जो पॉइंट है वो डी है और वो एंगल 5 है, और इस ए डी के अपोजिट में जो पॉइंट है, एंगल है, वो एंगल 7 है. क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल हो गया, तो जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल 6 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे. एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. हेंस जो बी डी डायगनल बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हेंस प्रूव्ड. ओके, अब हमारे सामने है एक ये 9th क्वेश्चन, जिसमें क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो पॉइंट पी और क्यू आर टेकन ऑन डायगनल बी डी. बी डी डायगनल पर ये दो पॉइंट लिए गए हैं, पी एंड क्यू, इस तरीके से लिए गए हैं कि जो डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है, डी पी वो बी क्यू के इक्वल है. हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी ये जो ट्रायंगल है वो सी क्यू बी, सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है. तो ये चीज़ें मैंने यहीं पे जो एग्जैक्टली जो ये हमें प्रूव करना है वो भी हमने यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है. और ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है. तीसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है वो क्या है, ए क्यू बी, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है, ये दो चीज़ें पहले प्रूव कर देते हैं. गिवन में अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी एज इन फिगर, डी पी इक्वल टू बी क्यू, देन लेट अस डू द प्रूफ. प्रूफ में क्या होगा, हमें इन दो ट्रायंगल को लेना है और इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. देन हाउ वी विल बी एबल टू डू दिस, देखते हैं. देखिए, ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है. ओके, और जो ये वाली जो है साइड वो इस साइड के इक्वल गिवन है, और जो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये अल्टरनेट डी एंगल, जिसकी वजह से साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और बाइसिपिसिटी ये हो जाएगा. तो मैं लिखता हूँ इसको, इन ट्रायंगल ए पी डी, यही वाले रूप में हम लिखेंगे ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, एंड ट्रायंगल सी क्यू
बी। तो पहले पीडी के पार्ट लिखेंगे ऊपर वाले के, देखिए एडी इक्वल टू बीसी, क्यों बोला? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम। ओके, एक चीज हो गई। उसके बाद जो डीपी है, डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों? ये गिवन है हमें, और उसका एंगल टू इसके एंगल वन के इक्वल है। इसके लिए फिर वो चीज़ लिखेंगे, कौन सी दो लाइनें पैरेलल है? एडी पैरेलल है बीसी के, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल एंड ए आई ए की वजह से। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और उनके बीच के एंगल, दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हुए, तो साइड एंगल साइड रूल हुआ ना। ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल। अब दो पेयर लेते हैं, दो पेयर हमारे हैं ये, इसमें डी आ रहा है दोनों में, इसमें बी आ रहा है, यानी कि डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी हुआ, बचा हुआ ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी हुआ, और पी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू हुआ। ओके, तो लिख देते हैं ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी, पी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ क्यू, डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ बी, सी क्यू बी आ गया ना, कि ए पी डी सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट हैं। हैंस प्रूव्ड, एक चीज़ हो गई। उसके बाद हमें प्रूव करना है ए पी इजल टू सी क्यू, ए पी यानी कि पहली दूसरी, पहली दूसरी, ए पी इजल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो हमने ये दो चीज़ें प्रूव कर दी। अब हम बाद की चीज़ों पर चलेंगे, तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। अब हम लेंगे दो ट्रायंगल, अभी हमें प्रूव करना है कि ए क्यू बी सी पी डी के कॉन्ग्रेंट। ए क्यू बी कौन सा ट्रायंगल होगा? ए क्यू बी, ए क्यू बी, तो हमें इसको ए क्यू को मिलाना पड़ेगा, और सी पी डी, सी ये रहा पी और वो डी, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, यानी कि ए क्यू बी तो ये हुआ और सी पी डी ये हुआ, इन दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ध्यान, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, पहले में ए बी इक्वल टू सी डी है, क्यों भला? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इस वजह से। सेकंड जो थिंग है वो क्या है? बी क्यू, बी क्यू इक्वल टू पी डी, ये तो हमें गिवन ही है। दो चीज़ें जैसे पहले वाले ट्रायंगल मिली थी वैसे ही उस तरीके से ही आ रही है। अब दूसरी नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, कि जो ये वाला एंगल है इसे नाम दिया जाए थ्री, इसे नाम दिया जाए फोर, तो एंगल थ्री ए क्यू बी के अंदर और एंगल फोर सी पी डी के अंदर ये इक्वल है, क्यों भला? बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के और ट्रांसवर्सल बी डी ही है, ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो पैरेलल लाइनों को या कोई भी दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काटती है, और ये हुआ ए आई ए के वजह से। सो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कैसे हुआ? एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल आ रही है रूल, तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हुआ एंगल
अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालने हैं, राइट। फिर वही दो पेयर लेंगे हम, अगर एंगल दे रखे होते दो तो सीधे सीधे निकल जाते। यहाँ पर बी है, यहाँ पे डी है, ए का बचा हुआ सी और क्यू का बचा हुआ पी। तो यानी कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ डी, क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ पी और बी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ डी। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है, क्यू का पी हुआ, ए का सी हुआ, सॉरी ए का सी हुआ और अब बचा यहाँ पे बी, बी का हुआ डी, सी पी डी। तो इसी वजह से क्या होगा कि हमें जो नेक्स्ट थिंग प्रूव करनी थी वो थी ए क्यू इजल टू सी पी, ए क्यू इजल टू सी पी, पहला दूसरा पहले दूसरे के साइडों के इक्वल होगा, तो ए क्यू इजल टू सी पी, सी पी बाय सी पी सी टी, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसके इक्वल होगा, फर्स्ट थर्ड ए बी, फर्स्ट थर्ड सी डी के इक्वल होगा, क्यू बी सेकंड थर्ड, पी डी सेकंड थर्ड के इक्वल होगा। ये कोंग्रेंसी में लिखने का फ़ायदा होता है, हमें पता लग जाता है कॉरस्पॉन्डिंग छः जो चीज़ें हैं वो एंगल और साइड। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ये प्रूव होने के बाद में देखिए, हमने ना ये प्रूव कर दिया है कि ए पी इक्वल टू सी सी क्यू। सेकेंड केस में क्या था कि जो ये है वो इसके इक्वल हमने प्रूव की थी, ये इसके इक्वल अभी प्रूव कर दिया है, मिटाना पड़ेगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ए के इक्वल टू सी पी तो हमने यहाँ पे अभी प्रूव किया है, और हमने प्रूव किया था कि जो ए पी है इक्वल टू सी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। और ये चीज है बिकॉज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सो ये जो नाम दे रखा था ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज अ पैरालेलोग्राम। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपोजिट साइडों के पेयर्स इक्वल आ जाए दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों जो अपोजिट साइडों के पेयर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसके पांचों पार्ट कर दिए। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।